कलाकार का राइटिंग एक्सपीरियंस शायद मेरे जो एक इसमें थोड़ा सा मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में कहना पड़ेगा कि मेरे पिताजी सिविल सर्वेंट थे मेरी माँ समाज सेविका थी राजनीति में थी मेरे नाना 1924 के में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस जमाने के 1919 में स्वतंत्रता आंदोलन में उनको इम्प्रजमेंट भी हुई मेरी बुआ वो आ, मेरी आ, मेरी माँ की बुआ 1936 में फर्स्ट लेडी एम एल कलोनियल पीरियड में थी एम एल थी तो एक अलग वातावरण था तो उस वातावरण में हमारे यहाँ समाज सेवा हमारे यहाँ एक जो सोचने का ये है एक एडुकेशन पर हमारे इंडियन दर्शन शास्त्र फिलासफ़ी और हिंदी संस्कृत लिटरेचर पर बहुत जोर था तो और साथ ही साथ अपना भी था मुझे फिज़िक्स अच्छा लगता था <laughs> तो मैंने फ़िज़िक्स में मास्टर्स किया फिर पीएचडी कर कर रहे थे सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स में तो ये सब तो शायद वो बैकग्राउंड है तो वो एक खोजने की एक उस पर मनन करने की एक अपनी थी तो जब आ, लिखना तो बाद में आया लेकिन जब शुरू में हुआ कि सब लोग कहते थे बहुत किमवदंतियाँ थी आ, कथक के बारे में कि इस काल में तो वो काल तो वो काल तो वो काल तो मैंने उस समय मैं बहुत यंग थी उन्नीस सौ आ, बिरासी की बात होगी या तिरासी की बात होगी मैंने उस जमाने में एक दस पैसे का इनलिन लेटर होता था नीला रंग का वो इंडलिन लेटर मैंने लिख दिया भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में जो कि महाभारत का खान है जिसको वह, तो कि भाई सुना है कि कथक जो है कथक के बारे में मुझे बताइए मैंने सोचा कि कभी वो जवाब नहीं दे उनका जवाब वापस आया वही दस पैसे के इनलिन लेटर में और उनसे ही मुझे पता चला कि ये तीन ज़िक्र हैं कथकों का महाभारत में फिर इस तरह से तो एक करके ये फिर ये करते 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 फिर जब मैं स्कल्पचर्स मूर्तियों को देखने लगी तो देखा कि भाई जो चूड़ीदार कुर्ता तो आज का नहीं है वो गुप्तकालीन में मिलता है एक तो यहाँ हमारे दिल्ली के ही नेशनल म्यूज़ियम में रखा हुआ है देवघर से मिला है भरूच से मिला है तो इतना पटना म्यूज़ियम में आपको मिलेगा उस समय लहंगा भी मिलेगा चूड़ीदार कुर्ता भी मिलेगा तो जब सब कुछ तो फिर मैंने कहा जो फिर ये नॉलेज को मैं अपने पास क्यों सीमित रखूं क्यों ना शेयर करूं और वो फिर वो जो इच्छा है शेयर करने की इच्छा वो शायद बचपन से ही कि हर चीज़ जो है वो शेयर करो तो वो शेयर करने की इच्छा तो ऑब्वियसली राइटिंग इज़ द बेस्ट वे तो फिर उसमें वो, वो किताबें लिखना शुरू कर दिया और उस तरह से